और अब आपको खबर देंगे फैजाबाद से, जहां इंटरचेंज पर मजहबी जमात के धरने को 16वां रोज है, जिसके बाईस जुड़वां शहरों के मकीनों को शदीद मुश्किल का सामना है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत और मजहबी जमात के दरमियान धरना खत्म करने के हवाले से होने वाले तमाम इजलास बेसुध रहे और कोई फरीक अपने मुतालबे से पीछे हटने को तैयार नहीं। मजहबी जमात का धरना आज 16वें रोज में दाखिल हो गया है, जबकि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदामात के बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कई अहम शाहराओं को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा और तालबात को तवील सफर करके अपनी मंजिल पर पहुंचना पड़ता है। इसी तरह दफातर में काम करने वाले मुलाजमीन भी शदीद परेशान हैं। धरना खत्म करने के लिए गुज़िश्ता रोज पंजाब हाउस में हुकूमत और धरना वक्त के दरमियान 2.5 घंटे तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात का कोई मुस्बत नतीजा ना निकला, ताहम एक कमेटी तश्कील दे दी गई। धरने की क़यादत करने वाले अल्लामा खादिम रिजवी का मौक़िफ़ है कि वजीर कानून जाहिद हामिद का इस्तीफा पहले होगा और मुतालबात पूरे होने तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब वजीर दाखिला एहसन इकबाल कई बार कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के जरिए मुजाहिरीन को कायल करने की कोशिश की जाएगी, ताहम ताकत का इस्तेमाल आखिरी ऑप्शन होगा। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हुकूमत को धरना मुजाहिरीन को फैजाबाद इंटरचेंज से हटाने की हिदायत की थी, जिस पर वजीर दाखिला ने अदालत से 48 घंटों की मोहलत तलब की थी। और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे बनाने के रेफरेंस की समाअत के दौरान हाजिरी से इस तरह की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत की जानिब से नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाने के बाद नैब ने मुलजिम का नाम ECL में डालने के लिए वजारत दाखिला को दरख्वास्त भेजी है। नैब की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला की 3 रुकनी कमेटी की जानिब से इसहाक डार का नाम ECL में डालने से मुतालिक फैसला आइंदा चंद रोज में किए जाने का इम्कान है। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई के पनामा केस फैसले की रोशनी में नैब ने वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने का रेफरेंस दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इसहाक डार और उनके अहले खाना के 831 मिलियन रुपए के असासे हैं, जो मुख्तसर मुद्दत में 91 गुना बढ़े। वजीर खजाना इसहाक डार 7 मरतबा एहतसाब अदालत के रूबरू पेश हुए, जबकि 5 समातों पर वो गैर हाजिर रहे। और बलोचिस्तान के जिला तुर्बत के इलाके रतबदीन में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान 16 गैर मुल्कियों समेत 18 अफराद को बाजियाब करा लिया गया। सिक्योरिटी जराए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 2 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से असला भी बरामद हुआ। सिक्योरिटी जराए का मजीद कहना था कि बाजियाब कराए गए गैर मुल्कियों में 15 नाइजेरियन और 1 यमनी बाशिंदा भी शामिल है। बाजियाब कराए गए तमाम अफराद को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भिजवाया जा रहा था। ये गिरफ्तारियां एक ऐसे वक्त में हुई हैं जब गुज़िश्ता हफ्ते तुर्बत में 2 रोज के दौरान 20 अफराद की लाशें बरामद हुई, जिन्हें गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब से था, जिसके बाद फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने इन वाकियात में मुलव्वस इंसानी स्मगलर सुहेल शकील को गिरफ्तार करने का दावा किया। FIA हुकाम का कहना था कि मकतूलीन को गैर कानूनी तौर पर बरास्ता तुर्बत जर्मनी में रहने वाले इंसानी स्मगलर सुहेल शकील को गुजरात से गिरफ्तार किया गया, जो जर्मनी में मुकीम अपने भाई हुमायूं के साथ मिलकर इंसानी स्मगलिंग का नेटवर्क चलाता है। इससे कबल FIA ने एक और इंसानी स्मगलर सादिक को भी क्वेटा से गिरफ्तार किया था, जो अपने नेटवर्क में तालिब के नाम से जाना जाता है। मुलजिम सादिक क्वेटा से लोगों को गैर कानूनी तरीके से ईरान लेकर जाता और खुद को ईरानी जाहिर करता था। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की जानिब से तुर्बत से 20 अफराद की लाशें मिलने के वाकये का अज खुद नोटिस भी लिया जा चुका है। और
और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाएस सुबकदोश होने वाले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का दोबारा सदर मुंतखब करने के लिए कौमी असम्बली से पास कराए गए इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP की जानिब से बिल पेश किए जाने के इम्कान पर नवाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और दीगर कानून साजों को असम्बली के इजलास में अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी ताकि बिल को रोका जा सके। नवाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर कानून साजों को फोन करके हिदायत की है कि लीगी वुज़रा कौमी असम्बली के इजलास में हाजिरी को यकीनी बनाएं ताकि पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम को अक्सरियत के साथ रोका जा सके। गुज़िश्ता हफ्ते आइंदा इंतखाबात के लिए नए हलका बंदियों के हवाले से 24वीं आईनी तरमीम का बिल पास होने के मौके पर तकरीबन 20 मुस्लिम लीग नून के वुज़रा को नामालूम फोन कॉल्स मौसूल हुई थी जिनमें इन्हें कौमी असम्बली के सेशन में हाजिरी न देने के लिए धमकी दी गई थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को इस बात का खौफ है कि उनकी जमात के कुछ वुज़रा कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं करना चाहते जिसकी वजह से उनकी जमात को शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। लीगी वुज़रा की इजलास में अदम दिलचस्पी और धमकी आमेज फोन कॉल्स की खबर सुनकर नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को उनसे बात करने और उनके इजलास में शिरकत को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी दी है। साबिक वजीर आजम के करीबी साथी सेनेटर परवेज रशीद ने बताया कि मुस्लिम लीग नून की इस बात को यकीनी बनाएगी कि उनके वुज़रा अगले इजलास में शरीक हों और अपोजिशन के इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के लिए की जाने वाली कोशिश को नाकाम बनाएं। मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात पैदा होने के सवाल का जवाब देते हुए परवेज रशीद का कहना था कि मुस्लिम लीग नून का कोई भी वजीर अलैहदगी इख्तियार नहीं कर रहा, हमारी जमात मियां साहब की कयादत में मुत्तहिद है। पीपल्स पार्टी ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को भी बिल को मंजूर करवाने के लिए राजी कर लिया है। तहरीके इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी कहते हैं, हम नवाज शरीफ को रोकने के लिए और बिल की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी के साथ हैं। PTI के सरबरा इमरान खान भी कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करने का सोच रहे हैं जबकि इस हवाले से हतमी फैसला किया जाना अभी बाकी है। पीपल्स पार्टी के वजीर एजाज हुसैन जाखरानी का कहना था कि तहरीके इंसाफ और दीगर हुजूब मुखालिफ जमातों ने बिल पर इनकी हिमायत की यकीन दहानी कराई है। इनका कहना था कि हमें उम्मीद है कि इस बिल के पेश किए जाने पर मुस्लिम लीग नून अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रहेगी। मुस्लिम लीग नून के एक और वजीर का कहना था कि वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने कौमी असम्बली के इजलास से कबल पार्लिमानी जमात का इजलास तलब कर लिया है। मजीद तफसीलात शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।